आने की जय बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन बहुत बहुत आप सभी का, बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज ये क्लास शुरू करते हैं आपके साथ पूरी ऊर्जा के साथ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब विभेद का पोर्शन है, और विभेद का मतलब विश्व भर के या दुनिया भर के या भारत के या भारत के अलग अलग राज्यों के प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है। अब अंतिम समय में मैं तो अपने स्ट्रेटजी से पढ़ा रहा हूँ, अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए। तो कंबाइंड क्वेश्चंस पढ़ाने की मैं इन क्लासों में कोशिश करूँगा। लगातार आने वाले 15-16 दिन तक एक क्लास ये आपको मिलेगी मिलेगी, और डेली आप सभी इस क्लास को देख लें, सभी नोट्स बना लें इसके, है ना। अब नहीं तो आगे काम आएंगे, लेकिन आगे ज़रूर काम आएंगे जी क्वेश्चन हमेशा, है ना। आगे का मतलब ये नहीं पुलिस के लिए काम नहीं आएंगे, पुलिस में भी काम आएंगे, पहले भी काम आ चुके हैं और आगे भी काम आएंगे हर परीक्षा में। तो अंत तक बने रहें और शेयर करें क्लास को। स्टैटिक जीके की क्लास है हमारी। पहला हमने प्रश्न लिया अलास्का राज्य का। तो अलास्का राज्य सुनाई होगा आपने, अलास्का एक राज्य है जो कि किसका राज्य है जी, अमेरिका का, है ना। अलास्का जो राज्य है वो भैया किसका है, अमेरिका का राज्य है। इससे जो सीमा, इस राज्य की जो सीमा लगती है वो कौन से देश से लगती है, कनाडा से, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि अलास्का की जो सीमा लगती है, भौतिक सीमा, वो किससे, कनाडा से लगती है। लेकिन जो अलास्का राज्य है, पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें, राजनीतिक रूप से जो शासन करता है वो अमेरिका शासन करता है अलास्का राज्य पर। पहले ये रूस का था, रूस से अमेरिका ने खरीदा था ये अलास्का राज्य, और इसी में अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है इसी राज्य में। कमेंट बॉक्स में बताओ अमेरिका की या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वही सबसे ऊंची चोटी अलास्का राज्य में है, यानी कि अमेरिका में है, अमेरिका के अलास्का राज्य में, जहाँ बर्फबारी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, बहुत ठंडा राज्य रहता है ये, ठीक है। तो अमेरिका का है, सीमा कनाडा से लगती है। अगला प्रश्न लिया हमने जैव विविधता संरक्षण। एक कानून आया था हमारे देश में, और इस कानून का नाम था जैव विविधता, यानी कि जो हमारे अलग अलग राज्यों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के प्रकार पाए जाते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। तो 2002 में ये कानून आया था, कौन सी साल में, 2002 में, जैव विविधता कानून है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, दिवस भी लिख लेना। एक दिवस मनाते हैं विश्व में, कौन सी तारीख को कंप्यूटर जी, 22 मई को। कंप्यूटर जी हमारे विटामिन ए ले रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, क्योंकि अमरूद में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए होती है, इसे भी लिख लेना। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तीनों नोट कर लेना। एक आध प्रश्न साइंस का इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है, भगवान की बहुत कृपा होगी अगर आ जाए तो अच्छी बात है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, और बीमारी कौन सी होती है, रतौंधी, ठीक है। अमरूदों में पाई जाती है और बहुत सारे फलों में पाई जाती है विटामिन ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ था, 2009 में पारित हुआ, और 2010 से भारत में ये लागू हुआ था, एक साल बाद, 1 अप्रैल 2010 से भारत में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। भाई साहब कोई दिक्कत, कंप्यूटर जी लिख लेना जी, शिक्षा का अधिकार है और लागू हुआ था 2010 से। इसमें मैं अगर बात करूं तो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूं, तो देखो एक्स्ट्रा जानकारी यह है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन था, 86वां, और ये संशोधन कब हुआ था, 2002 में। इसी संशोधन के तहत एक आर्टिकल आया, जोड़ा गया था आर्टिकल के 21वें ए, और आर्टिकल 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार, और इसमें कहा गया है कंप्यूटर जी, क्या कहा गया भैया, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, फ्री खाना मिलेगा, फ्री पीना मिलेगा, पीने का मतलब पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, दूध मिलेगा, जो भी मिलेगा, शरबत मिलेगा, जो भी सरकार के मेन्यू में होता है, मिड डे मील वाले में, ठीक है। मिड डे मील योजना से नाम याद आया, मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी, ये भी नोट कर लेना। मिड डे मील कब शुरू हुआ था, 1995 में, तमिलनाडु से सबसे पहले, तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले, और तमिलनाडु राज्य ऐसा है जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, इसे भी पॉइंट को नोट कर लेना, है ना। नवंबर और दिसंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्दियों में खूब वर्षा होती है तमिलनाडु में, है ना, ये नोट कर लेना। कोरोमंडल समुद्री तट, तमिलनाडु के तट का क्या नाम है, कोरोमंडल समुद्री तट। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, आर्टिकल 21 के में क्या है, शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, विदेशी मुद्रा विनिमयन कानून, विदेशी मुद्रा जो हमारे देश में आती नहीं है उसको लेकर के कानून है एक, और जो कानून बना था 1973 में, इस कानून को क्या बोलते हैं, फेरा, देखो ऐसे लिख करके आ जाएगा, FERA, फेरा कानून 1973 में आया था, विदेशी मुद्रा को लेकर के कानून था ये, लिख लेना। 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय इसराइल में अपने नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया, तारीख भी लिख लेना, 11 अक्टूबर को चलाया था ऑपरेशन
अजय, जो कि लड़ाई चल रही है गाजा पट्टी से इसराइल की, मतलब हमास आतंकवादी से। मई 2023 में ऑपरेशन करुणा, मई के महीने में चलाया था ये ऑपरेशन करुणा, इसका नाम है म्यांमार में चलाया था ये। म्यांमार में एक तूफान आ गया था जिसका नाम है मोचा तूफान। कौन सा तूफान आया था? मोचा। इस तूफान से, इस चक्रवात से म्यांमार की मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया हमारी सेना, नेवी, नेवी के द्वारा। सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस जर्मनी की राजधानी पेरिस बता रहे हैं हमारे कंप्यूटर जी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस। कंप्यूटर जी विटामिन ए ले रहे हैं और विटामिन डी भी ले रहे हैं। वैसे विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है, सुबह जो सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य का एक विलोम शब्दों में पढ़ा होगा आपने, उदयाचल शब्द होता है, उदयाचल का विलोम शब्द अस्ताचल। उदय होना मतलब निकलना, अस्त होना मतलब छिप जाना, है ना। तो सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश से और छिपता है सूर्य कहाँ पे? पश्चिम में जाकर के। पश्चिम का मतलब गुजरात में जाकर के, अगर दिशा के हिसाब से। तो ये विटामिन डी ले रहे हैं सूर्य के प्रकाश में बैठे, चूंकि अमरूद खा रहे हैं, अमरूद में विटामिन ए मिलती है, वैसे डी भी ले रहे हैं ये सूर्य के प्रकाश से। सुबह ज्यादा मानते हैं कि सुबह मिलती है, तो उसी विटामिन के चक्कर में इन्होंने कह दिया कि जर्मनी की राजधानी क्या बताई? जर्मनी की राजधानी पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब देखो इसी रेखा को क्या बोलते हैं? मैगी नॉट रेखा भी बोलते हैं इसी को। एक और नाम मिल सकता है तुम्हें, मैगी नॉट। मैगी तो आप खाते ही होंगे, मैगी खाते ना बच्चे घरों में बना के, वही वाली मैगी है जी, वो पीछे नॉट जोड़ लेना शब्द, मैगी नॉट। आपने मैगी खाई तो मैगी खाने के लिए आप कहां पे गए? जर्मनी और फ्रांस में, इन दोनों की सीमा पर मैगी मिलेगी आपको, तो मैगी नॉट रेखा या सीज फ्राइड। पनामा नहर सुनी होगी आपने, 1914 में इसका निर्माण हुआ था पनामा नहर का। कौन सी वर्ष में? 1914 में। और 1914 में ही एक और रेखा को स्थापित किया गया, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? 1914 में, भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में कंप्यूटर जी। तो पनामा नहर 1914 में बनी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? अलग करती है। ऐसा प्रशांत महासागर को अटलांटिक से अलग करती है, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करती है। नहर का नाम है पनामा नहर और कैरेबियन सागर और स्थित है यहीं पे। अटलांटिक के पास में कौन सा सी है? कैरेबियन सी। ये भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, कैरेबियन सी बीच में पड़ता है यहाँ पे, इसी में वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी रहते हैं सभी। विश्व की सबसे बड़ी जलसंधि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि, सब दुनिया की। किस किस के मध्य में? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। ये एक तरफ कनाडा और दूसरी तरफ इसका ग्रीनलैंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और कनाडा क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पे आता है? दूसरे पे। तो डेविस जलसंधि विश्व की सबसे बड़ी जलसंधि है भाई साहब। कौन सी जलसंधि है? डेविस, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है, डेविस जलसंधि। अगला प्रश्न हमने लिया है, इंग्लिश चैनल नाम सुना होगा कभी, लिसेंट आप पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए। अंतिम जो 15 दिन है भाई साहब, 16 दिन या 15 दिन जो बचे हैं, उसमें पूरे इस तरीके से प्लानिंग करो कि जितना आपके पास लिखा पड़ा है बार बार, जैसे हिस्ट्री लिख रही है, मिडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें से बार बार चीज़ों को देखते रहो, प्रॉपर टाइम देकर। जैसे 2 घंटे दे दिए तो 2 घंटे में पूरा जीएस का पोर्शन है आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, आपकी नज़रें वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। जैसे अगर दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं आप, मान के चलो, तो गुलाम वंश पढ़िए, गुलाम वंश के सारे पॉइंट देख लो जो लिखा रखे होंगे आपने, पढ़ रखे होंगे, सिलेबस पूरा कर रखा होगा। उसके बाद खिलजी वंश को देख लो, तुगलक वंश को देख लो, सैयद वंश को देख लो, लोधी वंश को देख लो, दिल्ली सल्तनत खत्म। मुगल साम्राज्य शुरू करिए, मुगल साम्राज्य के बाद बहादुर शाह जफर सेकंड तक जाइए, बाबर से शुरू होकर के सभी के इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लो। मैंने कह दिया, आप कह रहे होंगे गुरुजी ने तो कह दिया खत्म हो गया, अब पढ़े कौन रामायण? कोई बात नहीं, समय लगता है भाई, धैर्य होना चाहिए, इन चीज़ों को पढ़ने में समय लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता है ना। एक कहावत है, इट वॉज ए नॉट ओवर डे ऑफ बिल्ट, है ना, एक कहावत इंग्लिश में, कि रातों रात रोम का निर्माण नहीं हुआ है, जैसे हथेली पे सरसों नहीं जमती है, ये हिंदी की कहावत है। एक तो समय लगता है चीज़ों को पढ़ने में, कोर्स पूरा करने में, लेकिन जितना भी समय पुराने बच्चों का है, पुराने बच्चे पढ़ते रहो, याद करते रहो बार बार चीज़ों, कोई बात नहीं है। तो इंग्लिश चैनल है ये, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, उत्तरी सागर को किससे? अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। अगला है 25वीं रेखा, 25वीं समानांतर रेखा मॉरिटोनिया और माली के मध्य में स्थित है। मॉरिटोनिया बोलते हैं ये, अफ्रीका का देश है ये। कहाँ का देश है ये? अफ्रीका का।
और अफ्रीका का देश है, बिल्कुल सहारा मरुस्थल से लगा है, बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। सहारा मरुस्थल है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, अफ्रीका में। तो उसी का पड़ोसी देश है अफ्रीका में, इसी मरुस्थल में स्थित मोरिटोनिया है, और दूसरा देश कौन सा है? माली। इन दोनों की आपस में सीमा लगी हुई है, पड़ोसी है। तो ये कौन सी सीमा रेखा है? 25वीं 31वीं सीमा रेखा ईरान और इराक, ये दोनों पड़ोसी देश हैं भारत और पाकिस्तान की तरह, इन दोनों के बीच में है 31वीं सीमा रेखा। ठीक है, नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कांडला बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है, पूछा जाए आपसे। और इस बंदरगाह का नाम क्या कर दिया सरकार ने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस बंदरगाह का नाम कर दिया, रख दिया है। और इस बंदरगाह की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1950 में। कांडला बंदरगाह 1950 में स्थापित हुआ था, गुजरात में स्थित है, अरब सागर के किनारे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नया नाम है। एक कैसा बंदरगाह पड़ते हैं? ज्वारीय बंदरगाह है, और कहाँ पे स्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अब ज्वारीय क्या होता है भाई साहब? अब आप पूछेंगे गुरु जी, जे का जे क्या लिख दिया आपने बीच में? तो ज्वारीय का जैसे आपने पढ़े होंगे 7th 8th की क्लास में भूगोल में पढ़ते हैं, ज्वार और भाटा है ना। ज्वार मतलब समुद्र का पानी उठ करके एक बड़ी बड़ी लहरों के साथ किनारे की तरफ आता है, तो इसे तो क्या बोलते हैं? ज्वार। और वही पानी अपनी स्पीड से आकर के जब उसका वेग खत्म हो जाता है तो वही पानी वापस सागर में लौट जाता है अंदर, उसे कह देते हैं भाटा। पानी का आना किनारों की तरफ मतलब ज्वार आ रहा है, और वापस जाना मतलब भाटा। तो यहाँ पर इस जगह जो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में अरब सागर में, यहाँ ज्वार भाटे की स्थिति ज़्यादा रहती है, ज्वार ज़्यादा आते हैं समुद्र के पानी के जहाँ पर है ना। तो इस वजह से क्या नाम दे दिया इसको कंप्यूटर जी? ज्वारीय बंदरगाह, क्योंकि ज्वार ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, इस वजह से। ज्वार भाटा आता क्यों है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जब इनकी आपस का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है एक दूसरे की तरफ, तब जाके ये समुद्रों का पानी ऊपर उठ के किनारों की तरफ आता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से आपस में जब एक सीध में आ जाते हैं उस वजह से ये हलचल होती है हमारी धरती पर। और धरती में हलचल कहाँ पे होती है? पानी के भीतर। और पानी आता है तो पानी समुद्रों तक किनारों तक आता है। ज्वारीय बंदरगाह इस वजह से नाम है। पारादीप बंदरगाह दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह, और कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में पारादीप। और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है भारत का, ये भी नोट कर लेना, पूर्वी तट पर स्थित हैं दोनों। अगला है मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, ये रेलवे के दो जोन है इंडिया में। टोटल कितने रेलवे के? 18। 18 में से एक मध्य रेलवे और एक पश्चिम रेलवे, दोनों का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में। इन दोनों रेलवे के जोनों का हेड ऑफिस है। आगे रेलवे की भर्ती आ रही है, कम से कम 1.5 से 2 लाख में आपको बता दूं, क्योंकि चुनाव ऊपर से आ गया है, तो रेलवे की 3 लाख वैकेंसी, ऐसा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शून्यकाल में 12 से 1 के बीच में उन्होंने बताया था कि हमारे पास इतनी वैकेंसी रेलवे में खाली हैं, बहुत जल्दी उनके लिए विज्ञापन या विज्ञप्ति या अध्याचन निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप तैयार रहो, पूरी कमर कस के जोरदारी से पढ़ते रहो। ठीक है, एक पेपर आपके जीवन को तय नहीं करेगा, तो ज़्यादा तनाव लेना नहीं पुलिस के पेपर को लेकर के, जितना जो पढ़ा जा रहा है उतना ही आप पढ़िए, खाना खाइए और सोइए। ठीक है, बढ़िया से स्वस्थ रहिए, कुल मिला के ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे भाई साहब? ठीक है, ज़्यादा नहीं सोना फिर भाई साहब है ना। हाँ, अब गुरु जी ने कह दी तो सोए भी लग जाओ, हमने ना कह दी, हम तो जो कह रहे हैं पढ़ो धुआंधार और पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में। यूपी में भी कितने हैं? 2। उत्तर प्रदेश में भी रेलवे के कितने जोन है भाई साहब? 2 हैं। एक पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। अगली एक महिला है जिनका नाम है गिरिजा देवी, ठुमरी गायिका से संबंधित है। ये गायिका थी ठुमरी गायिका, और कौन से घराने से? बनारस घराने से, ठुमरी गायिका। ठीक है कंप्यूटर जी, कोई दिक्कत सर? क्लास को शेयर करते रहिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, बिल्कुल निःशुल्क सेवा ऐसी अनवरत रूप से चलती रहेगी आपके पास। अभी तो आप ऐसा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी पढ़ेंगे, तब भी जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा ना हो पहले अनाउंसमेंट करते हैं और बाद में हम बोला के प्रकरण लाओ भाई पैसा, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी फ्री क्लास चलेंगे। ठीक है, पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे, और मेवाती घराने के हैं ये। कौन से घराने के? मेवाती। मेवाती बोले तो राजस्थान, माफ कीजिए राजस्थान या हरियाणा में मेवात पड़ता है ना, हरियाणी। मेवात एक हरियाणा में भी हो, मेवात एक राजस्थान में, तो ये देख लेना राजस्थान का ये मेरे ख्याल से पंडित जसराज। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लिखे मैंने,
क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है और सबसे बड़ा राज्य भारत का क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखो कुछ टेक्निक सिखाते हैं आपको यहाँ। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य भारत का? राजस्थान। दूसरे नंबर का राज्य मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर का राज्य महाराष्ट्र। और चौथे नंबर का राज्य बाबू कौन सा है? यूपी। हमारे यहाँ एक बच्चा है वो यूपी से यूपी बोलता है, है ना। हम जैसे वो बाहर काम करने जाता है, जैसे मुंबई गया, महाराष्ट्र गया, पुणे में गया, नासिक गया, अलग अलग शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, अलग अलग फैक्ट्रीज में, उधर इंडस्ट्री ज़्यादा है उस हिस्से में, वेस्टर्न इंडिया में जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो लोग हमारे यहाँ के यूपी के, बिहार के और अलग अलग राज्यों के वहाँ पर जाते हैं काम करने अलग अलग कंपनियों में। तो ऐसा एक बच्चा हमारे यहाँ का जाता है, तो जैसे वहाँ जाता है तो वहाँ पूछते हैं भैया कहाँ के हो, जैसे एक दूसरा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो यूपी नहीं बोलता, वो यूपी गए हम, कहाँ के? यूपी गए। पर अभी तक कंप्यूटर जी, अभी तक वो यूपी कहता है, जैसे गांव में रहता नहीं, कभी कभार मिलता है, तो यूपी से यूपी कहता है। जैसे कोई काम हो गया, अखबार में कोई हेडलाइन आई कि मार साहब क्या है इसमें, तो मैंने कहा यूपी में ये काम कर दिया मुख्यमंत्री। अच्छा यूपी में ये कर दिया, हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे है। तो हमारा यूपी यूपी है, यूपी चौथे स्थान पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। अब यूपी के बाद अगर आ जाए प्रश्न के, यूपी के बाद पांचवा सबसे बड़ा राज्य बताइए क्षेत्रफल के आधार पर, तो पांचवा राज्य गुजरात और छठा राज्य कर्नाटक और सातवा राज्य आंध्र प्रदेश। तो यूपी के बाद पांचवा राज्य भी याद रखिए गुजरात। वैसे पहले यहीं से काम चल जाता, राजस्थान से यूपी तक चौथा नंबर, और यूपी के बाद गुजरात। जनसंख्या में भी देखो कुछ राज्य लगे, जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार और चौथे पे बंगाल और पांचवे पे एमपी। ये भारत के पांच बड़े राज्य हैं जनसंख्या के आधार पर, ये नोट कर लेना। काय के आधार पर? पांच सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर बंगाल। दोनों पड़ोसी हैं, आराम से याद रखना। बंगाल में से बेटे का जन्म हुआ तो बेटा आगे आ गया, पिताजी इधर रह गए थोड़ा सा, है ना भाई। बेटा कौन से नंबर पर आ गया जनसंख्या में? तीसरे नंबर पर। पिताजी कहाँ चले गए? मतलब कभी कभी ऐसा होता ही, आपको पता है, पिताजी के जैसे दो बच्चे हैं और बेटे की शादी हुई तो बेटे ने चार छह लाइन लगा दी, तो बेटा आगे जाता है कि नहीं जाता है? गलत तो नहीं कह रहे सर कंप्यूटर जी? तो इसी वजह से बेटा कहाँ पे आ गया? आगे आ गया। पिताजी कहाँ हैं? चौथे नंबर पर। और जे बीच भाई बीच हमारे हैं, जे मध्य प्रदेश हैं, है ना। मध्य प्रदेश कहाँ है? हमारे भारत के बीचों बीच में, इसी वजह से कह रहे हैं जे बीच वारे। ऐसे घरों में रिश्तेदारी में आते हैं कि भाई हमारे बीच वारे, ऐसी कहते हैं। ऐसी मध्य प्रदेश कहाँ पे? बीच में स्थित है, बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसी वजह से नाम दिया गया मध्य प्रदेश भारत का। इसे दिल भी कह सकते हैं आप। मध्य प्रदेश में श्रृंखला है, सतपुड़ा श्रृंखला है, मैकाल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सभी की सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश। और बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इसी नदियों का राज्य भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। आगे देखो एक जनजाति लिखी है मैंने, लेप्स जनजाति। कौन सी जनजाति है जी? लेप्स जी रहते हैं सब स्कैंडिनेवियाई देशों में। ये विश्व का क्वेश्चन है वैसे। स्कैंडिनेवियाई देश कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में, लिख लेना, यूरोप महाद्वीप में स्कैंडिनेवियाई देश। जैसे कि अगर मैं बताऊँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन देश। इन्हीं देशों में जो जनजाति रहती है लेप्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों के नाम लिख लेना आप। लिखें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, इनकी राजधानी लिख लेना, है ना। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कौन से राज्य में है? सतपुड़ा कौन से राज्य में और मैकाल कौन से राज्य में? तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है, तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है कंप्यूटर जी। तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या क्या नाम है? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल। बाबा भूदान की पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है, लोहे के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं बाबा भूदान की पहाड़ियां। अब देखो कुछ मैंने देखो, अब ऐसे याद करेंगे हम फटाफट से, आपको रिवीजन करा रहे हैं। एक तरफ लिख लेना विषय, एक तरफ लिख लेना अधिक और एक तरफ लिख लेना कम। अब बात करेंगे कैसे याद करते हैं इन प्रश्नों को। तो विषय का मतलब विषय लेंगे यहाँ पे, अधिक का मतलब ज्यादा जो राज्य होगा, कम का मतलब जो कम राज्य होगा। जैसे सबसे पहले विषय में लिया क्षेत्रफल, क्या लिया हमने? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अधिक में सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा राज्य है गोवा, ये कम के हिसाब से हो गया, है ना। सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान,
अब आ जाते हैं विषय लिए हमने केंद्र शासित, केसे मतलब केंद्र शासित का है ना, देख लेना केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर का और सबसे कम क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है, जो क्षेत्रफल में चल रही है अभी कहानी है ना, ठीक है। अब हमने लिया जनसंख्या, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य भारत का यूपी है और सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम है। यहां से क्वेश्चन आने हैं आपके, इसी तरीके से पढ़ो आराम से, है ना। फिर हमने केंद्र शासित प्रदेश लिए जनसंख्या में, केंद्र शासित प्रदेश तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की है केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। मात्र आपको बताइए कितने लोग रहते हैं, 64,000 आदमी रहते हैं, कंप्यूटर जी बता रहे हैं 64,000, ठीक है। लिंगानुपात विषय है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात 2011 की जनगणना में केरल का, सबसे कम लिंगानुपात भारत में हरियाणा का, जे कह के आंकड़े 2011 की जनगणना के। अब हमने लिया केंद्र शासित राज्यों में लिंगानुपात लिया है, कौन से केंद्र शासित राज्य में ज्यादा है और कौन से में कम है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है पांडिचेरी का था और सबसे कम लिंगानुपात दमनदीप का था केंद्र शासित राज्यों में। और पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है जो तीन राज्यों में बटा हुआ है, और पांडिचेरी ही भारत का ऐसा राज्य है जो पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है, सिर्फ एक ही राज्य है जो पूर्वी हिस्से में भी है और पश्चिमी हिस्से में है। पश्चिमी हिस्से में बात करें तो केरल में है इसका एक जिला और उस जिले का नाम है माहे, और पूर्वी हिस्से में बात करें तो तमिलनाडु में है इसका एक हिस्सा जिसका नाम कराईकल है, और एक आंध्र प्रदेश में यनम, जो पूर्व में हो गया और पश्चिम में हो गया केरल में, तो दोनों हिस्सों में है। अब हमने लिया शिशु लिंगानुपात, 0 से 6 साल तक के बच्चों का लिया जाता है शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य है अधिक में, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम राज्यों में कौन सा है, हरियाणा है सबसे कम में, कौन सा है हरियाणा, जी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन से राज्य का था, बिहार का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, कितने लोग, 17 लोग जनसंख्या घनत्व में, पूरे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व में 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते थे, इतना कम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का भैया। साक्षरता अगर देखें सबसे ज्यादा साक्षरता तो केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता, और सबसे कम साक्षरता भारत में बिहार की, भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार की। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, इसी तरीके से इन पॉइंटों को याद रखिएगा, ऐसी ही क्लास लगातार मैं आपको दूंगा, आपको मिलेंगी पूरे 15 दिन तक कंबाइंड जीएस की, उसमें यूपी भी शामिल करेंगे, करंट भी के क्वेश्चंस भी होंगे, करंट की स्पेशल अलग से डालेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए, लगातार शेयर करते रहिए क्लास को, लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी एक भी क्लास को, अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और पढ़ते रहें 15 दिनों तक, परिश्रम करते रहिए। सूरज की तरह जलना होगा, चमकना होगा तो जलना भी होगा, है ना। अगर प्रकाश चाहते हैं तो जलना पड़ेगा, प्रकाश के लिए जलना भी तो पड़ता है भाई। सूर्य में हाइड्रोजन और कौन सी होती है, हीलियम, दोनों के मिलने से ही प्रकाश बनता है। जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कितने देर में आता है कंप्यूटर जी, 8 मिनट 17 या 15 सेकंडों में आता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश, नोट कर लेना और छाप लेना, आराम से पढ़ते रहिए, दिक्कत नहीं लेनी। नौकरी सबकी लगनी है जो मेहनत कर रहे हैं, जो नहीं मेहनत कर रहे हैं उनकी भी लगनी है, हो सकता है कि जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, देख चौंके हमारे कंप्यूटर जी, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं हो सकता है कि वो कुछ और बड़ा कर जाएं अपने जीवन में, तो किसी के भाग्य की हमें और तुम्हें पता थोड़ी है कि भाई जरूरी है कि बच्चा पुलिस के पेपर निकालेगा तभी वो एक्सीलेंट माना जाएगा, जिन्होंने नहीं निकाले वो बहुत बड़ी पोजीशन पे आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं जीवन में। तो सफल किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, उसके पहले सबसे पहले मूलभूत चीज बहुत जरूरी है, बेसिक चीज बहुत जरूरी है सीखने के लिए, और सिखा रहे हैं आपको क्लास के माध्यम से। इस वजह से जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार चैनल के साथ, और शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार, राधे राधे।